नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। आज का विषय है भगवान की पूजा पाठ के नियम। माना जाता है पूजा पाठ से हम अपने दिन को शुभ बनाते हैं और इससे हम भगवान के करीब भी रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जो पूजा हम करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, जिनका अगर हम पालन करें तो पूजा शुभ फलदायी होती है। वरा पुराण की माने तो भगवान वरा ने स्वयं कुछ नियम बताए हैं। आइए जानते हैं उन नियम के बारे में। जो इंसान अपराध करके धन कमाता है और उससे मेरी सेवा करता है, उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। पूजा के दौरान नीले या काले रंग के कपड़े ना पहने। जो मनुष्य किसी शव यात्रा से लौटा हो, वो बिना स्नान किए पूजा ना करे, ऐसी पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। गुस्सा करके मेरी पूजा करने वालों की पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करता। अंधेरे में अगर आप किसी भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा को भागवत अपराध माना जाता है। संभोग के बाद बिना स्नान किए मेरी पूजा करना वर्जित है। घंटी और शंख की आवाज किए बिना यदि पूजा की जाती है तो वो पूजा मुझे स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए यदि मेरी पूजा उपासना की जाती है तो उसकी प्रार्थना कभी भी सार्थक नहीं होती। कुछ भी खाकर बिना कुल्ला किए पूजा करने वालों की पूजा भी मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पूजा ईश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम मार्ग है। यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे सही किया जा सकता है। अगर आप भी अभी तक ऐसी कोई असावधानी कर रहे हैं तो उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप वो नहीं करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए वैदिक टीवी। नमस्कार।